हेलो फ्रेंड्स, वेल चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये दोपहर का टाइम है और मैं कुछ जो ब्लाउज़ मेरे टाइट हैं, पुराने ब्लाउज, उनको ढीला कर रही हूँ। तो कई बार हमारी इच्छा हो जाती है पुरानी साड़ियाँ पहनने की, लेकिन उनके ब्लाउज़ टाइट हो जाते हैं हमारे, तो वो साड़ियाँ भी रखी रह जाती हैं और हम ब्लाउज़ टाइट की वजह से उनको पहन भी नहीं पाते। बहुत सी ऐसी साड़ियाँ हैं जो वापस फैशन में आ चुकी हैं, तो हमारी इच्छा हो जाती है कि इन्हें पहन लें, लेकिन पहन नहीं पाते क्योंकि ब्लाउज़ टाइट रहता है। तो बहुत ही आसान तरीका है ब्लाउज़ को ढीला करना। तो जो भी हमारे उसमें ब्लाउज़ में सिलाई लगी होती है, उसको थोड़ी सी सुई की सहायता से निकाल लें और फिर उसके सारे टाँके खोल लें। जितना टाइट आपको लग रहा है उतना, मतलब उसके टाँके खोल लें। तो दोनों तरफ से हम अगर टाँके खींच लेंगे, एक बार सुई से निकाल लें, उसके बाद एक टाँका आगे की सिलाई का खोल लें, एक टाँका पीछे की सिलाई का खोल लें। तो इस तरह से बहुत आसान हो जाता है। और इसके बाद जो भी उसमें थोड़ी सी सिलाई वगैरह खुल जाती है, या जितनी भी हमें देनी होती है सिलाई ब्लाउज में हमारे टाइट या लूज करने की, तो वो सिलाई हम दे सकते हैं। तो पहले हमें उसकी पूरी जो सिलाई है वो खोलनी पड़ती है। तो बैठे बैठे दोपहर के टाइम ये काम हम कर सकते हैं कि दोपहर का टाइम होता है, उसमें सभी को वक्त मिलता है थोड़ा बहुत, तो ऐसे काम दोपहर को कर लेने चाहिए। तो मैं ये कर रही हूँ, ये देखिए सारे टाँके खुल चुके हैं। इसको मैं आपको दोबारा भी बता देती हूँ कि सुई की सहायता से इसका एक टाँका एक बार खींच लेना है, धागा अपने आप खिंच जाएगा सुई से टूट कर। जब हम सुई से निकालेंगे तो वो धागा टूट जाएगा और फिर हम एक तरफ की सिलाई वहाँ से खींच देंगे टाँके को, और फिर दूसरी तरफ की सिलाई से टाँके को ऐसे खींच देंगे। तो ये फटाफट खुल जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है इसमें। और यही चीज़ हम अगर दर्जी को देंगे तो ऐसे छोटे मोटे काम जो टेलर होते हैं हमारे, वो करके नहीं देते हैं, काफ़ी दिनों तक रखे रखते हैं और उसके बाद उसको खो भी देते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ कि ब्लाउजों को खो भी दिया, जब मैंने उनको ढीला करने को या कोई टाइट करने को दिया टेलर को, तो उसने उन ब्लाउजों को खो ही दिया। तो फिर ज़्यादातर मैं ये काम अपने आप कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप टाँका तोड़ते जाएँ, एक आगे का टाँका तोड़ लें, एक पीछे का टाँका तोड़ लें, और आपका जो ये टाँका है वो सारा खुल जाएगा। और उसके बाद आपको 2 इंच जगह मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्जिन होता ही है ब्लाउज वगैरह में ढीले करने के लिए। तो आपको 2 इंच जगह मिल जाएगी और आपका ब्लाउज बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ब्लाउज आप पहन रही हैं उसी ब्लाउज के नाप से आप इसको नाप कर लें कि आपके कितना ब्लाउज अब आने लगा है। तो ये जो लाल ब्लाउज रखा है वो इस नाप का ब्लाउज मेरे अब आता है पूरा, तो मैं इसके नाप से ही इसको कर लूँगी। थोड़ी बहुत अगर सिलाई बची तो कर लूँगी, अगर ज़्यादा ढीला हुआ तो मैं इसमें थोड़ी सिलाई मार दूँगी, और नहीं तो कहीं कहीं से खुल जाती है ज़्यादा सिलाई, तो उसको भी मार दें। पुराने ब्लाउज हैं तो इसमें क्या है कि सिलाई भी खुल जाया करती हैं, तो उनको एक सिलाई आप मार सकती हैं मशीन से। ये देखिए पूरा ब्लाउज हो गया मेरा, जो मेरा अब पहनने का ब्लाउज है उसके बराबर ये ब्लाउज हो चुका है। तो अब ये देखिए सारा खुल चुका है और अब इसमें मैं सिलाई मार दूँगी। ये देखिए थोड़े थोड़े टाँके खुले रह जाते हैं, तो मशीन से एक टाँका मैं इसमें लगा दूँगी। तो एक एक टाँका लगाने से क्या होगा, बाएँ भी अगर मेरी ढीली होगी तो सही हो जाएगी टाइट, जितनी मुझे पहननी है उस हिसाब से मैं बाँह को भी कर लूँगी और एक टाँका पूरा फुल इसमें लगा दूँगी सीधा। तो इसको ढीला करना बहुत आसान है। इस तरह से मैंने आज 4 ब्लाउज ढीले किए जो बहुत पुराने थे लेकिन बिल्कुल सही रखे हुए थे। तो इन ब्लाउजों को पहले मैंने सबको खोल लिया और उसके बाद उनको थोड़ी सी मशीन चलाकर सही कर लिया। और ये सारे ब्लाउज अब मेरे काम आ जाएंगे और जो साड़ी मुझे पहननी है वो मैं पहन सकूँगी नहीं, तो ब्लाउज की वजह से इतने टाइम से मैं बहुत सी ऐसी साड़ियाँ जो पहन नहीं पाई और वो वापस फैशन में आ चुकी हैं, तो उनको पहनने की इच्छा होती है। कई बार कलर हल्के हल्के कलर गर्मियों में पहनने की इच्छा होती है, तो ये सारे ब्लाउज जो है हल्के कलर के हैं। और अब इतने सारे ब्लाउज मैं 4 ब्लाउज ठीक कर चुकी हूँ और ये 4 ब्लाउज सही हो गए हैं। अब मेरे सारे काम आ जाएंगे
और इस कलर की साड़ियाँ मुझे पहनने की इच्छा भी हो रही थी। तो ये देखिए, थोड़े से फैट ज़रूर हुए लेकिन साड़ी के अंदर सब ब्लाउज चल जाएंगे। हम घर में भी पहन सकते हैं इनको, और अगर थोड़ा आसपास बाहर मंदिर जाना हो और जाना हो तो इन्हें पहन सकते हैं। दो दो इंच ढीले हो चुके हैं अब ये ब्लाउज और मेरे आराम से आ रहे हैं। मैंने इनको पहन के भी देख लिया, केवल काम रह गया इसमें, प्रेस मारने का काम रह गया है। तो आप भी इस तरह अपने ब्लाउजों को, जो टाइट ब्लाउज हैं उनको ढीला कर सकती हैं सिलाई खोल के, और यदि कोई ढीले हैं तो उन्हें टाइट कर सकती हैं थोड़ी थोड़ी सिलाई मारकर, अगर आपको ज़रा सी भी सिलाई आती है तो। अगर आपके ढीले ब्लाउज हैं तो उन्हें टाइट कर लीजिए, और टाइट हैं तो ढीले कर लीजिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।